गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपना स्टील बोस्टिंग गर्डर है। ये अभी असेंबल कर रहे हैं अभी इसको। इसके वेल्डर अपने 100% सर्टिफाइड चाहिए। इसको अभी यहाँ पे हम असेंबल कर रहे हैं। ये नीचे अपना फाउंडेशन बनाया हुआ है पीसीसी। पीसीसी के ऊपर अपना स्ट्रसल है, उसके ऊपर हमने वुडन का रखा हुआ है हाइट एडजस्ट करने के लिए। और सम इंटरवल पे अपना स्टील गर्डर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रखा जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ऊपर इसका एक आर्च रहता है, डायगोनल बीम से इसको अटैच किया जाता है। ब्रेसिंग यहाँ पे देखिए वेल्डिंग किया हुआ है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे आगे देख सकते हो आप एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में गटर ऑलरेडी रखा हुआ है एक 100% वेल्डिंग करके। और इसको रेस्ट करने के लिए नीचे हमने एक बेस बनाया। पहले तो बेस बना के उसको 100% बोथ साइडेड वेल्ड कर दिया है। ये देखिए इसका वेब भी ऊपर टॉप में भी वेल्ड करवाया, बॉटम में भी वेल्ड करवाया। दूसरी साइड देखा था अभी। ये देखिए अभी खाली रेस्ट किया हुआ है, टॉप में वेल्ड किया है, उस साइड वेल्ड किया है और इसमें कैम्बर एडजस्ट किया हुआ है। तो अपना ये गटर जब बनता है उसी हिसाब से इसमें कैम्बर एडजस्ट करके आता है ये। जनरली अपना गटर हम ट्रैफिक डायरेक्शन में रखते हैं, मीन्स लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। और स्टील कॉम्पोजिट गटर है वो भी हम जैसा प्रीकास्ट गटर हम लॉन्च करते हैं एज इट इज़ करते हैं वैसा ही सिंगल सिंगल। लेकिन बोस्टरिंग गटर हमें असेंबल करना पड़ता है पहले पूरा, फिर उसको हम रोप से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मोटर उसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, पुल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको रेस्ट करना है। अभी ये एक पेडेस्टल है और आउटर साइड में एक पेडेस्टल है। पियर कैप है अपने, इधर डर्ट वॉल बनेगी। टोटल अपना ये 53 मीटर है। यहाँ पे हमें एक बेनिफिट्स मिला है कि दूसरी साइड में हमें ऑलरेडी फिलिंग की हुई मिली है, तो इतना हमें स्टेजिंग करना पड़ता इसको उठाने के लिए। सेम दूसरी साइड भी एज इट इज़ वैसा ही है। इसका स्टेजिंग का जो पार्ट है उसमें हमने ट्रसल यूज़ किया है, उसके ऊपर हमने वुडन लगाया हुआ है और यह ऊपर आर्च ब्रेसिंग को रखने के लिए। ऊपर में आर्च जाएगा, उसको डायगोनली हम वेल्ड करेंगे ब्रेसिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पे गटर रखे हुए हैं स्टील गटर, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे।